राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी ने जयपुर के ज्योति नगर थाने में वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली पूर्व कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इन 3 सदस्यों में पूर्व सचिव भवानी सामोता, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा और संयुक्त सचिव राजेश भड़ाना के नाम शामिल है। आरोप है कि इन पदाधिकारियों ने आरसीए के कार्यकाल के दौरान कई घोटाले और अनियमितताएं की, जिनमें स्टेडियम निर्माण और आईपीएल मैच के दौरान हुए घोटाले भी शामिल हैं। ये के खिलाफ नहीं आए, हम भी आरसीए की एडोक कमेटी के मेंबर हैं, मैं उसका कन्वीनर हूँ। हम उन लोगों के खिलाफ आए हैं जिन्होंने आरसीए की मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हुए आरसीए के कार्यकलापों के माध्यम से अनियमितता की, वित्तीय अनियमितता। वो हमने स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई, स्वतंत्र एजेंसी सीए ने उसकी जांच की और एक 363 पेज की रिपोर्ट तैयार की। उसी रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु, सारी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर नहीं हो रही है, कुछ मुख्य बिंदु हमने उठा लिए और उनके आधार पर ये एफआईआर दर्ज हो रही है और इसमें भारी वित्तीय अनियमितता पाई गई और उसी वित्तीय अनियमितता की एफआईआर दर्ज हो रही है। बाकी पुलिस का काम है, पुलिस उसमें से और क्या क्या निकालती है, हमसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगी। सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट तो जो सीए फर्म ने ऑडिट की है वो है। पिछली कार्यकारिणी को लेकर के सरकार ने एडो कमेटी का निर्माण किया और एडो कमेटी का पहले दिन से ही हमें यही निर्देश प्राप्त था कि जो भी कार्यकारिणी को भंग किया गया है और जिन आरोपों को लेकर के उनको भंग किया गया है, वो आरोप कितने निराधार है, कितने सही हैं, इसकी जाँच तय से की जाए और उसको लेकर के कमेटी ने 4 महीने तक लगातार इसी कार्य के अंदर वो लगी रही। साथ साथ में खेल को भी हम लोगों ने नुकसान नहीं होने दिया, खेल को भी कंटिन्यू रखा, हमने एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू कराते रहे। बीसीसीआई जाकर के जयसा जी से भी मिले, उनसे भी मदद मांगी, उन्होंने पूरी मदद दी और पीछे उसके साथ ही जो हमारा मेन जो कार्य था जाँच कार्य वो चलता रहा। जाँच कार्य के अंदर हमने स्वतंत्र एक संस्था से हमने जाँच कराई। 363 पेज की जांच के अंदर ये पाया गया कि पिछली कार्यकारिणी के द्वारा भारी अनियमितताएं की गई थी। किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी आयोजन को लेकर के फर्मों को ऑर्डर दिया जाता है, टेंडर दिए जाते हैं, वो फर्में जो है कई फर्में ऐसी थी जिनका निर्माण केवल 1 महीने पहले ही किया गया, जबकि टर्म्स कंडीशन होती है करोड़ों का टर्न ओवर होना चाहिए किसी भी फर्म का। लेकिन जब किसी फर्म का निर्माण 1 महीने पहले किया जाए तो आप समझदार हैं कि उसका टर्न ओवर कैसे 1 करोड़ या 2 करोड़ भी हो सकता है। तो इस आधार के ऊपर जो है कई फर्में जो है हमें संदेह के घेरे में पाई गई और कई जो पैसों का दुरुपयोग हुआ है उसको लेकर के हम लोगों ने अपनी जांच रिपोर्ट तय की और आज कन्वीनर साहब के सानिध्य के अंदर हम लोग यहाँ ज्योति नगर थाने में हम एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। किन किन लोगों के नाम है उसके अंदर जो भी सिग्नेटरी जो थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही है, क्योंकि पेमेंट जो है उनके द्वारा ही पास किया गया है। आप यदि मेरे को आप कहोगे कि सर हमने उन्हें 20 पानी की बोतल भेजी है और यदि उस किसी ऐसी कमेटी का सहकमेटी का निर्माण किया गया तो उस कमेटी का काम केवल ये होता है कि 20 बोतल गिन ले वो, ये आई कि नहीं आई, ठीक है ना। उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनका काम ये नहीं है। मेन काम होता है कि ये 20 बोतल का टेंडर किसको दिया गया और ये किसके द्वारा दिया गया, तो उन लोगों के खिलाफ ही जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और नाम उस एफआईआर के अंदर जो है हमने जो सिग्नेटरी जो थे पिछली कार्यकारिणी के वो लोग उसमें दर्ज हैं। आप कृपया कन्वीनर साहब से उसके बारे में बात कर लें।